हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मौसम देख लो कितना प्यारा है, एकदम काले घने बादल चढ़े हुए हैं। ये सुबह करीबन 7:30 के बाद का टाइम है, वही करीबन 8 बज रहे होंगे, क्योंकि आध्या स्कूल जा चुकी है। उसके बाद का ही व्यू है। बस मैं आध्या को नीचे स्कूल के लिए वैन में छोड़ कर आई हूँ, उसके बाद सीधे मैं यहाँ बाहर थोड़ी देर हवा ले रही थी। इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि मैं यही रुक गई थोड़ी देर के लिए। और दक्ष भी सो के जग के आ चुका था, तो वो भी आ गया। यहीं पे अपना साइकिल वगैरह चला रहा था। थोड़ी देर हमने यहीं पे समय बिताया, क्योंकि आज बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे। मैं लेट उठी, कारण क्या था कि जब ये घर पे वो रहते हैं ना, तो रात को ये अपने फ़ोन में अलार्म लगा लेते हैं, तो अलार्म की आवाज़ से मैं उठ जाती हूँ, ये उठ जाते हैं, 5:30 बजे का अलार्म लग जाता है। आज क्या ये है नहीं अब घर पे, तो मैं अलार्म लगाना ही भूल गई अपने मोबाइल में, क्योंकि मैं लगाती ही नहीं हूँ कभी, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये खुद लगा देते हैं, एक ही अलार्म बहुत है। तो आज मैं बहुत लेट उठी 7 बजे। इस चक्कर में मैंने जल्दी जल्दी सिर्फ आध्या को पराठा और अचार दिया है टिफ़िन में, और मैं बोली बेटा आज यही लेके चले जाओ। यहाँ पे जिद कर रहा था कि मम्मी तुम साइकिल चलाओ मेरी, तो मैं बैठ के इसके साथ मस्ती कर रही थी। फिर मैं आ गई थी रूम में, चोटी वगैरह की, थोड़ा सा चाय नाश्ता किया, और दक्ष को भी खाने पीने को दिया, क्योंकि उसको भी सुबह सुबह भूख लगती है, तो उसको भी एक थोड़ा पराठा, कभी आधा पराठा खा लेता है, कभी बुकनू लगा के खा लेता है, कभी अचार से, या सब्जी बनाई होती हूँ तो उसको भी सब्जी से खा लेता है वो। और यहाँ पे मैं बहुत सारे कपड़े लेके बैठ गई हूँ तय लगाने के लिए। ये मैंने शायद कल और परसों 2 दिन के जो कपड़े थे ना धुले हुए, वो मैं तय नहीं लगाई थी। मन ही नहीं कर रहा था, बोरिंग सा लग रहा था ये काम करना मुझे, तो अब काम तो काम ही है अपने, मेरे ये काम कौन करने आएगा। तो बस यही चीज़ सोच कर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ, और मेरा काम बहुत आसानी से हो जाता है। दक्ष भी खेलता रहता है, उसकी भी बातों में लगी रहती हूँ, और वो मुझसे बोल रहा था कि कैमरे में सबसे बात करनी है, कुछ कहना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बोल रहा था। तो मैंने चलो ठीक है, तुम्हारी तरफ कैमरा करते हैं। हाय बोल रहे हो? हाय बोल रहे हो? बाय 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 बल्ले बल्ले कर दो, बल्ले बल्ले बाय बाय, अच्छे से कर दो, बल्ले 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 बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, दच बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले भाई, बल्ले बल्ले, दच बल्ले बल्ले। अच्छा तो पूछो कैसे हो? अच्छी। सब अच्छा है? ये क्या तरीका है बच्चे? तुम तो हंस रहे हो जोर जोर से। तो बस दक्ष की बातें सुन ली ना आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा बातें करना चाहता है आप लोगों से, आप लोग भी बहुत प्यार देते हो दक्ष को। तो मैं चली गई थी कि कोरियर आ गए थे मेरे, तो मैं अमेजोन के कोरियर आए हुए हैं जो कि मैं नीचे लेने गई थी। एक्चुअली क्या है, मेरे हस्बैंड ने जो मेरा बड़ा वाला ब्लैंकेट है ना, उसको अभी तक मैंने रखा नहीं है, उसका कवर कहीं खो गया है और फट भी गया था, तो हमने ऑनलाइन अमेजोन से एक कवर मंगाया है जो कि काफ़ी बड़ा है। मैं अभी आपको इसमें ब्लैंकेट पैक करके दिखाऊंगी। अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, सामने की तरफ इसमें दिखाई देता है, मतलब पन्नी लगी हुई है ट्रांसपेरेंट, और चारों तरफ मतलब इसमें कपड़ा लगा हुआ है, और इसमें किनारी भी बनी हुई है, और दोनों तरफ ब्लैंकेट उठाने के लिए होल्डर भी लगे हुए एक तरीके के कपड़े के, जो कि बहुत अच्छा है, सपोर्ट मिल जाता है उठाने में। दूसरे पैकेट में मेरे कुछ कपड़े हैं जो कि मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने रक्षाबंधन के लिए कुछ कपड़े लिए हैं, और बाद में दिखाऊंगी, अभी तो मैं बस चेक कर ले रही हूं, क्योंकि पता चल जाएगी कोयर वही है जो मंगाया था। बाकी का जो ये ब्लैंकेट का जो कवर है ना, इसमें मैं ब्लैंकेट डाल के दिखाती हूँ। मतलब इतना इसमें स्पेस था कि मैं इसको तो इसमें डाल दी हूँ, ऐसा लग रहा कि एक सिंगल बेड का ब्लैंकेट और आराम से इसमें आ जाएगा। और जैसे कि आपको वूलन कपड़े आपके बहुत सारे हैं दीवान में रखते हो, तो आप क्या कर सकते हो, सारे वूलन कपड़े आप एक इसी बैग में भर के रख सकते हो, आराम से कपड़े इसमें आ जाएंगे। अगर जैकेट वगैरह है तो 4 या 5 जैकेट आराम से इसमें आ जाएंगी, आप इसमें रख सकते हो। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अभी तो मैंने एक मंगा के देखा है, मैं बहुत जल्द और भी बहुत सारे मंगाऊंगी, बहुत काम का है, तो मैं इसका लिंक भी दे दूंगी। क्या मेरा दक्षु गुस्सा है? ये गुस्सा है क्या? इसे नींद आ रही है, देखो सोने जा रहा है,
जब मैं अपने कामों में लगी रहूंगी, इसे बात नहीं करूंगी तो या क्या इसे नींद आएगी ना, तब ये ऐसे ही लेट जाता है कहीं पे भी। अभी तो यहाँ पे लेट गया क्योंकि मैं यहीं पे बैठी थी, नहीं तो ज़मीन में मैं बैठी होती तो ज़मीन में आके लेट जाता और बस वहीं सो जाता। बाबू जुकाम हो गया इसको, ये जो दाने निकल आए गर्मी की वजह से बहुत भयंकर। एक तो ऊपर वाला फ्लोर बहुत गर्मी, हद से भी ज़्यादा। आ बाबू चलो उधर कूलर चला सुला दे तुमको, आ जाओ। गुस्सा हो क्या? हंस रहा है बाबू, नींद नहीं आएगी बच्चा को मेरे। धीरे से, बहुत बार बोल चुका है कि मम्मी पापा से बात कराओ, मम्मी पापा कब आएंगे, पापा कितनी देर में आएंगे, फ़ोन मिलाओ। तो मैं सुबह फ़ोन मिलाई थी, तब मेरी इनसे बात हुई थी करीबन 8:30 ऐसी करीबन टाइम था। तब ये ओटी में जाने से पहले एक रूम होता है कॉन्फ्रेंस रूम कर क्या होता है, वहाँ पर वो गए हैं। मतलब वहीं पे सारे लोग बैठ जाते हैं पहले से ही जिनका ऑपरेशन होना होता है, बिना कुछ खाए पिए। तो 8:30 ये चले गए थे अंदर। मतलब उन्होंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं, ना पिया है ना खाया है, तो उनको अंदर बुला लिया गया है। ऑपरेशन का नंबर अभी तक नहीं आया है, कब होगा पता नहीं, क्योंकि और भी लोग हैं, उनके भी कुछ ना कुछ ऑपरेशन चल ही रहे हैं, तो शाम तक हो पाएगा। अभी मेरे देवर जी से बात हुई, क्योंकि फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है अंदर, तो फ़ोन भी देवर जी के पास है, उनका मैंने फ़ोन मिलाया दोबारा इसके लिए कि लाओ मैं बात कर रहा हूँ, शायद फ़ोन हो या फिर अपडेट मिले कि ऑपरेशन हुआ कि नहीं। तो अभी बज रहे हैं 2 और मैंने जब फ़ोन मिलाया तो देवर जी बता रहे थे कि अभी अंदर ही हैं, और मैं खाना खाने के लिए बाहर गया था और अभी मैं आ भी गया हूँ खाना खाकर, लेकिन भैया अभी अंदर ही हैं। अभी मतलब कोई भी निकला ही नहीं है ऑपरेशन थिएटर से कोई भी। तो अभी ऑपरेशन कितनी देर में होगा, शुरू हो गया है, कितनी देर में शुरू होगा, अभी कुछ भी अपडेट नहीं है। देखो अब मुझसे बात करते ही सो गई है। तो सो गया था, उसके बाद मैं चली गई थी किचन में, मावा बना के रखा हुआ था 1-2 दिन का, तो मैं इसको थोड़ा गर्म की हूँ कढ़ाई में। जैसे ही ये थोड़ा सा भुना है उसके बाद मैं इस पे चीनी ऐड करूँगी। आज मैं इसके पेड़े बना के रख दे रही हूँ, नहीं तो मैं मावा जो है ये ख़राब हो जाएगा। ये घर का ही मावा है, एक दिन दूध एक्स्ट्रा ज़्यादा हो गया था मेरे पास, तो मैंने उसका पहले खोआ ओट के रख लिया था। तो अब मैं इसके पेड़े बना दूँगी। तो मैं इसको भून ली हूँ पहले, उसके बाद इसमें मैंने पिसी हुई चीनी डाली है, जो नॉर्मल चीनी होती ना उसी को मैंने मिक्सी में पीस लिया है। अब चाहो तो खड़ी भी डाल सकते हो या बूरा शक्कर भी डाल सकते हो, वो तो मेल्ट हो ही जाएगी। उसके बाद इसको लगातार चलाते रहना है और थोड़ा पका लेना है, इतना ज़्यादा नहीं पकाना है कि बाद में फिर ठंडा होने के बाद एकदम टाइट हो जाए ना, वो खाने में भी अच्छा लगेगा और ना ही वो बंधेगा आपसे पेड़े के रूप में। तो बस इसको इतना पका लेना है। आप देख सकते हो अब ये ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें नान से बैठ के हाथों में हल्का सा घी लगा कर बस फटाफट से पेड़े बनाना शुरू करूँगी। और पेड़े बनाते बनाते बीच में उसमें हम थोड़ा सा बूरा शक्कर अगर है तो वो मिला दीजिएगा, या फिर आपके पास जो चीनी जो डाली है पीस के वो डाल दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगता है, ऊपर भी थोड़ा सा मीठी मीठी कोटिंग हो जाती है, या फिर आप ऐसे भी खा सकते हो, ड्राई फ्रूट चिपका सकते हो। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बना के रख रही थी, हल्का सा गर्म है, ज़्यादा नहीं, मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही बनाने में। तो ये बन गए हैं, जैसे ही बन गए हैं वैसे ही आधा आ गई थी लेने, क्योंकि आधा तो स्कूल से आ ही चुकी थी। तो यहाँ पे मैं सारे पेड़े बना दूंगी और आध्या को भी दे दूंगी, खाएगा। दक्ष को बहुत अच्छे लगे पेड़े, तो दक्ष ने तो 2 खाए थे और कह रहा था मैं और खाऊंगा, पेड़े नहीं बोल रहा था, इनको लड्डू बोल रहा था। तो मैंने ज़्यादा उसको नहीं दिए हैं, 2 ही दिए हैं, फिर मैंने कहा कल दूंगी, तो अभी मैंने उठा कर फ्रिज में रख दिए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो पेड़े हैं वो कैसे बन के तैयार हुए हैं। सो गाइस आप देख सकते हो ये पेड़े बन के तैयार हो गए हैं, इसमें मैंने ऊपर शक्कर की कोटिंग की हुई है। अब मैं इनको एक टिफ़िन में, एयर टाइट टिफ़िन में पैक करके, स्टील के टिफ़िन में पैक करके रख दूंगी और फ्रिज में स्टोर कर दूंगी, ताकि जब भी हम खाना वगैरह खाएं ना तो साथ में एक ले लो तो अच्छा रहता है, मीठा थोड़ा सा ले लेते हैं। अगर आप मीठा नहीं खाते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने बनाए हैं तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिए हैं। कोई बात नहीं, आ जाओ। ऐसे भाग के क्यों आ रहे थे? क्योंकि आखिरी फूल लाए मेरे लिए। फूल लाए हो? देखे ऊपर से तोड़ के लाए हो फूल मेरे लिए। दादी माँ है ना ऊपर, चलोगी? चल चल जा तो रहे, दादी माँ तो ऊपर आ गई ना, नीचे दादी माँ चले। हाँ अभी चलेंगे, हाँ चलेंगे, ठीक है अभी चलेंगे। थैंक यू तच्छू, थैंक यू लाडो, थैंक यू, बाय बाय। बच्चे लेके आए मेरे लिए, फिर गया ऊपर खेलने।
तो बच्चे चले गए थे ऊपर छत पे खेलने, मैं भी चली गई थी इनके साथ में। उसके बाद जब नीचे आई थी फिर आद्या को पढ़ाया लिखाया थोड़ा सा, फिर आद्या अध्यक्ष को पढ़ा रही थी। टाइगर, पिजन, ईगल, ग्रेप्स, लीची, पाइनएप्पल, हे गाइस, अभी 8:30 बज रहे हैं। मैंने दक्ष और आध्या के लिए पराठा बना दिया है। सब्जी सुबह की रखी हुई थी तो मुझे नहीं बनानी पड़ी, और मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही खाना खाने की, तो मैंने अपने लिए नहीं बनाया है कुछ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा है। और मेरी इनसे बात हुई है और इनका ऑपरेशन हो गया है, ये ओटी से बाहर आ चुके हैं, तो बहुत नींद आ रही है इनको, इसलिए वो सो रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वो उठे हैं तो मेरे देवर ने उनसे बात कराई है, तो बात हुई है, बहुत धीमी धीमी सी आवाज़ में बात की उन्होंने, मतलब वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे उन बात करने में, तो मुझे भी लगा कि नहीं सोने देते हैं। और इन्होंने कल रात को खाना खाया था, उसके बाद पूरी रात निकल गई, मतलब पानी नहीं पिया है, और पूरा दिन अभी ये निकल गया अभी तक का पूरा पानी नहीं पिया है। रात को 11 बजे ही कुछ खाएंगे पिएंगे, तब तक इनको कुछ नहीं खाना पीना है। ऑपरेशन से पहले भी नहीं कुछ खाया पिया, ऑपरेशन के बाद भी नहीं कुछ खाना पीना है 11 बजे तक। बोतल चढ़ी है शायद ग्लूकोज की एक, और ड्रिप चढ़ रही थी बता रहे थे ये, तो बोल रहे थे कि थोड़ी देर बाद कॉल करूँगा मैं, अब पता नहीं 11 बजे के बाद करे या फिर हो सकता है अब कल ही बात करे वो। तो मैंने इनसे बात कर ली है, मैंने आपको फ़ोटो नहीं दिखाई, मैं आपको दिखाती हूँ। इन्होंने मुझे जब वीडियो कॉल नहीं की, मैंने कॉल पे ही बात हुई, क्योंकि वीडियो कॉल नहीं हो पा रही थी उनसे, और वो नहीं ठीक थे, मेरे वीडियो कॉल करने के कंडीशन में ऐसे नहीं थे, अभी भी नहीं है, तो बस एकदम बेहोश से पड़े हुए हैं। तो मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ, ये है देखिए, हाँ ये देखिए, ये लेटे हुए हैं और ये प्लास्टर चढ़ा हुआ है। ये मुझसे कह रहे थे कि प्लास्टर जो है वो नहीं चढ़ेगा, मतलब पट्टी सी बंधेगी, क्योंकि अब तो सिर्फ प्लेट्स ही निकालनी थी, तो मैंने इनसे बोला था प्लेट्स नहीं और बोला था प्लास्टर चढ़ जाए, तो वही है। जब मैंने इनसे पूछा आप तो कह रहे थे प्लास्टर चढ़ेगा नहीं, प्लास्टर कैसे चढ़ गया, तो ये बताने लगे मुझे कि प्लास्टर ये कच्चा चढ़ा है, और पक्का नहीं है, कच्चा प्लास्टर है वो सपोर्ट के लिए, ताकि हाथ में सब सपोर्ट रहे इस वजह से। बाकी को इनकी ये कंडीशन वगैरह सब देख के ऐसे मुझे वो डर लगता है। बाकी बस जल्दी से घर आ जाए, मैंने पूछा है कि कब आएंगे, तो हो सकता है कल या परसों में डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो अगर कल हो गए तो कल आएंगे, नहीं तो परसों, जैसा भी होगा वैसा ही रहेगा। और बच्चे पूरा दिन पापा पापा करते रहते हैं, पूरा दिन पापा पापा बात कराओ, पापा से बात कराओ। आज तो सारा दिन हो गया मुझे, मैं मतलब 5 मिनट सुकून से नहीं बैठी हूँ। हर बार फ़ोन ला देती थी देवर को कि फ़ोन तो इनके पास था नहीं, बात करा दो बात करा दो। यही प्रार्थना करूँगी भोलेनाथ से कि सबकी मुरादें पूरी करें इस सावन में, सबको खुशियाँ दें, सबको स्वस्थ रखें, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो चलिए गाइस, अब मैं इस वीडियो को भी यही ख़त्म करती हूँ, और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और जब वो घर आ जाएंगे तब तो मैं आप लोगों को मिलवाऊँगी, बात कराऊँगी उनसे। मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है बिल्कुल भी, दिन मेरा कैसे कटता है सिर्फ बच्चों को लेकर ही बस कट जाता है, बच्चों को देख देख कर, बच्चों में ही लगी रहती हूँ, वरना दिन नहीं कटता है। इतनी भूख लगती थी, मैं दिन में भी दो बार खा लेती थी, चाय नाश्ता भी शाम को किया खूब भर के, और अब भूख ही नहीं लग रही है, पता नहीं क्या हो गया, दिन में भी नहीं खाया था सही से मैंने खाना। चलिए गाइस, कल मिलते हैं, बाय बाय।